अब बैंक जैसे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को तो भूल ही गए। सब बैंक रुपए प्लेटफॉर्म पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएनबी रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होने वाला है जिसमें बहुत सारे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट अच्छे हैं। तो बात करते हैं वेलकम बेनिफिट से। तो आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर कार्ड मिलने के 90 दिन में आप एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 300 रिवॉर्ड पॉइंट एज अ वेलकम बेनिफिट मिल जाएंगे। इस रुपए क्रेडिट कार्ड में पहली बार मैंने इतने नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट देखे हैं जो आपको ये कार्ड लेने पे मजबूर कर देंगे। तो बात करते हैं नॉन स्पेंड बेनिफिट्स में। पहले आपको मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री 2 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं डोमेस्टिक पर क्वार्टर, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं पर ईयर। इसके साथ साथ गोल्फ राउंड और गोल्फ लेसन भी एक सेशन आप अटेंड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्पा सेशन अटेंड कर सकते हैं। क्योर फिट की लाइव मेंबरशिप मिलेगी 3 मंथ की, या फिर क्योर फिट की जो एलीट पास मेंबरशिप है उसमें से आप दोनों में से एक ले सकते हैं और आप लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं या फिर एलीट मेंबरशिप में इनके सेंटर जाके सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बेसिक हेल्थ चेकअप मिलेगा थायरॉइड केयर या SRS लेबोरेटरी का एक बेसिक हेल्थ चेकअप आप साल में एक बार ले सकते हैं। तो ये सारे हो गए जो कॉम्प्लीमेंट्री नॉन स्पेंड बेनिफिट है जो रुपए प्लेटफॉर्म पे पहली बार किसी क्रेडिट कार्ड में आने वाले। अब बात करते हैं स्पेंड बेस मतलब रिवॉर्ड पॉइंट के। रिवॉर्ड पॉइंट में आपको सिर्फ बेसिकली 150 रुपए की स्पेंडिंग पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और स्टार्टिंग के 90 डेज जब से कार्ड मिलता है वहां से आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। मतलब 150 रुपए की स्पेंडिंग पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू की बात करूं तो 50 पैसे रिवॉर्ड पॉइंट वैल्यू है। रिवॉर्ड पॉइंट वैल्यू कम है बट इस क्रेडिट कार्ड की जो नॉन स्पेंड बेनिफिट है वो मेरे को सबसे अच्छे लगे। और रुपए प्लेटफॉर्म पे आने वाला कार्ड है तो आप किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन पे का भी कर सकते हैं और उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। जो आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। जो रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर रहे हैं उसको ब्रांड वैल्यू, फ्लाइट, होटल बुकिंग, बैलेंस ट्रांसफर इतने सारे ऑप्शन में रिडीम कर सकते हैं। तो एक रुपए क्रेडिट कार्ड में नॉन स्पेंड बेनिफिट जिसमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, स्पा सेशन, गोल्फ लेसन, बेसिक हेल्थ चेकअप इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। रिवॉर्ड पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़े कम है, 1% का होता, मतलब 1 रुपये वैल्यू होती या फिर 4% के रिवॉर्ड पॉइंट मिलते तो अच्छा होता। बट ठीक है 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिले 150 रुपये की स्पेंडिंग पे थोड़ी कम लग रही है लोअर साइड पर, नॉन स्पेंड बेनिफिट बहुत सारे। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी की बात करूँ तो आपको 500 रुपये प्लस ज्वाइनिंग फी पे करनी पड़ेगी। रिन्यूअल फी आपको 750 प्लस टैक्सेस पे करनी पड़ेगी। बट एक ट्रांजेक्शन करते हैं पर क्वार्टर, मतलब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में आप एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं 4 बार तो आपको जो रिन्यूअल फीस है वे ऑफ हो जाएगी। ज्वाइनिंग फीस वे ऑफ नहीं हो रही है वेलकम बेनिफिट से, पर नॉन स्पेंड बेनिफिट इतने हैं कि ये कार्ड आपको कार आ सकता है। एक रुपए क्रेडिट कार्ड नॉन स्पेंड बेनिफिट बहुत सारे, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पीएनबी का कार्ड लेना चाहते हैं रुपए प्लेटफॉर्म पे तो ये कार्ड आप डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि इस पे आपको सिर्फ क्वार्टरली एक ट्रांजेक्शन करना है। UPI से स्कैन एंड पे करोगे 4 बार 4 साल में 4 ट्रांजेक्शन करोगे पर क्वार्टर तो ये लाइफ टाइम फ्री बन सकता है अगर आप ऐसे यूज करते हैं तो आपको एक अच्छा सा कार्ड मिल सकता है। रुपए प्लेटफॉर्म इतने सारे एयरपोर्ट के बेनिफिट, बेसिक हेल्थ चेकअप, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। ये रुपए प्लेटफॉर्म में मेरे को अच्छा लगा ये कार्ड। आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड रुपए प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ तब के लिए स्टे ट्यून।